हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सकर यूट्यूब चैनल और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरह अपने कंप्यूटर में से डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने विंडो स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि आप लोग किस तरह इसे रिकवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये ईजस डाटा रिकवरी है, इससे आप डाटा रिकवर कर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे आप इंस्टॉल कर लें। वैसे ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को डेवलपर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं क्रैकिंग तो नहीं सिखाता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ख़रीद के ये सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल दिखाऊँ, इसलिए फ़िलहाल तो मेरे पास यही है। तो हम आपको इससे दिखा देते हैं, लेकिन आप बेहतर रहेगा कि आप ख़रीदें। नहीं चाहते हैं ख़रीदना तो मत ख़रीदें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसको आप फ्री वर्ज़न में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कीजन लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ आपको इसको रन करना होगा, ये इसके बाद ये पैच हो जाएगा। ये पैच हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से इसको क्रैक करना होगा ताकि ये फुल हो जाए। इसको फुल वर्ज़न में करने के बाद हम लोग चलिए देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे इंस्टॉल किया है वहाँ पे का लोकेशन दिखा देंगे। प्रोग्राम फाइल्स ईजस ईजस डाटा रिकवरी विज़र्ड सेलेक्ट फोल्डर, ये एक्टिवेट हो गया। ऐसे अब यहाँ पे लाइसेंस कोड इसको काट दें। चलिए क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब इसे हम लोग ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ये ओपन हो जा रहा है। इसमें हम लोग अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप डाटा रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपको जिस फाइल में भी, जो फाइल आपका डिलीट हो गया है, जिस जगह से, जिस लोकेशन से आपका फाइल डिलीट हुआ है, यहाँ से आप अपना वो लोकेशन सिलेक्ट करें और उसके बाद आप लोकेशन में से फाइल डिलीट हो गया है उस लोकेशन में सेलेक्ट करने के बाद उस लोकेशन को वहाँ पर जब फाइल सेव करने का ऑप्शन आए तो उस लोकेशन पर सेव ना करें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक फ़ोटो है 5C, चलिए इसको डिलीट करके देखते हैं। ये डिलीट हो जाता है, सॉरी लेकिन ये तो रिसाइकल ही बिन में गया, ये तो हम लोगों को इसको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे है, कहाँ है कहाँ है, इतना सारा मीम्स है बताइए। हाँ ये रहा, ये है, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग इसे कोशिश करते हैं रिकवर करने का, देखिए रिकवर होता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फाइल रिकवर आता है। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा देर। जितना बड़ा आपका डिस्क होगा उतना देर लग सकता है यहाँ पे रिकवर होने में, इसलिए यहाँ पर अभी फाइल फाइंड करेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब तक आप लोग वेट करें, यहाँ पे का वीडियो या तो फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा या फिर हो सकता है मैं स्किप कर दूं। ये देखिए ये फाइल्स रिकवर होना शुरू हो गया। ये फ़िलहाल तो मैं क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे बेहतर रहेगा कि आप क्रैक ना लें, क्योंकि इसमें वायरस भी आता है कभी कभी। मेरे कंप्यूटर में ऐसा कोई ख़जाना तो नहीं है जो मैं वायरस से इतना दिक्कत रहेगा कि ख़राब हो जाएगा। ख़राब होता है, हम हर 2 महीने में फॉर्मेट मार देते हैं कंप्यूटर अपना, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर ज़रूरी डाटा है तो आप इसे ध्यान से इस्तेमाल करें, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस ज़रूर रखें अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपके पूरे फाइल्स की लिस्ट आ गई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी फाइल्स रिकवर कर, चलिए देखते हैं कहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम नहीं दिखा रहा है, मेरा यूज़र नेम रिकवर हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ जो आप लोगों के शायद काम आ जाए, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मे भी आप लोगों के काम आए। ये चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये याद आया। चलिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आप के काम आएगा। ये देखिए ये एक वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिख रहा है, होगा ये आपको, मैं उसका नाम दिखा देता हूँ। ये मे भी आपके काम आ जाए अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर के इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। ये हैकिंग का एक
है, इसको अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट दिखा दी मैंने, यहाँ पे आप जाके आप अपना जो कोर्स करे मन करे आपको, जो आपको फ़ायदेमंद हो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हैकिंग पे यूट्यूब के प्रैक्टिकल्स अलाउड नहीं है, तो मैं अभी वो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं देखता हूँ किस तरह मैं पोस्ट कर सकता हूँ, या हो सकता है मैं फेसबुक पे पोस्ट करूँ अगर मैं खुद से बनाऊँगा तो। चलिए छोड़िए, अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है, अब हम लोग चल के देखते हैं यहाँ पे जो फाइल मैंने डिलीट की थी वहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं। ये देखिए ये मे बी शायद ये वही फाइल है, चलिए हम लोग इसको रिकवर करके देखते हैं, और कोई फाइल, और कोई फाइल, चलिए ये भी है, इसको भी रिकवर करके, ये दो फाइल हम लोग रिकवर कर रहे हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम उसका याद नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिकवर करते हैं, बेहतर होगा आप जहाँ जिस लोकेशन से आप रिकवर कर रहे हैं वहाँ पे आप सेव ना करें, क्योंकि इससे मे भी आपकी फ़ाइल आधी रिकवर हो, इसलिए बेहतर होगा किसी दूसरे लोकेशन पे से रिकवर करें आप इसे। चलिए हम लोग रिकवर कर रहे हैं, ये देखिए ये रिकवर हो चुका है, क्योंकि ये इमेज फाइल था इसलिए ये तुरंत हो गया, अगर आपकी फ़ाइल बड़ी होगी तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ओ ये फाइल अभी रिकवर नहीं हुई क्योंकि ये रिकवरी अभी फुल नहीं हुई थी, इसलिए अभी भी रिकवर हो ही रहा है, इसलिए बेहतर रहेगा कि हम लोग वेट करें। चलिए हम लोग ये मूवी रिकवर करके देखते हैं, ये फाइल मैंने बहुत पहले डिलीट की थी, ये कैप्टन अमेरिका की कोई मूवी है जो शायद मैंने बिना देखे डिलीट कर दी, चलिए हम लोग इसे रिकवर करके देखते हैं ये रिकवर होती है कि नहीं। चलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मूवी है, इसलिए ये देखिए ये रिकवर हो रहा है, देखिए ये रिकवर हो चुका है, चलिए देखते हैं ये मूवी प्ले होती है कि नहीं, साइकिल बिन में था। देखिए ये फाइल आप देख सकते हैं, ये मूवी प्ले हो गई, ये देखिए ये मैंने आपको दिखा दिया रिकवर करके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।